हरे कृष्णा। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे चने की दाल की सब्ज़ी। यह सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी होती है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम चने की दाल लेंगे। चने की दाल को लेके हमें उसको कम से कम 15 मिनट के लिए बॉयल करना है। और हम इसको बॉईल कर चुके हैं और अब हम टिंडे को लेंगे। टिंडे को छील कर उसको काटना है और फिर हमें मिर्ची को लेना है और मिर्ची को अच्छे से कूट कर एक साइड में रख देना है। तो हमने टमाटर को काट लिया है, टिंडे को भी छील के काट लिया है और मिर्ची को भी काट के और कूट के रख दिया है। एक कढ़ाई में हमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालना है और गैस को थोड़ा तेज़ रखना है। और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरे को थोड़ी देर पकने देना है। और उसके बाद हमें हींग पाउडर डालना है इसके अंदर। और फिर हमें कुटी हुई मिर्ची को इस तेल के अंदर डालना है और उसके बाद चम्मच की सहायता से उसे अच्छे से हिलाना है। और उसके बाद हमें कटे हुए टिंडे को इस तेल के अंदर डालना है। हमने सारे टिंडे डाल रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद हमें इसको बहुत अच्छे से हिलाना है, जिससे नीचे लग ना जाए। अच्छे से इसको हिलाना है ऐसे, जैसे अच्छे से थोड़ा पक जाए पहले ही इस तेल में। इसके अंदर हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और इसके अंदर 1 चम्मच मिर्ची डालकर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे। और इसके अंदर हम कटे हुए टमाटर को डालेंगे। और हमने ये सारे टमाटर इस सब्ज़ी के अंदर डाल दिए हैं और हम इसको अच्छे से हिलाएंगे सबको मिक्स करते हुए, जो सारे मसाले टमाटर पर लग जाए, सब सब्ज़ी में मिक्स हो जाए सारे मसाले। और उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। और हम इन सबको मिक्स कर देंगे। हम ये पूरी सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो वो भी आप इस सब्ज़ी में ऐड कर सकते हो। और अब हम इसके अंदर उबली हुई चने की दाल को डालेंगे। हमने सारी दाल इसके अंदर डाल ली है और अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा पानी को ऐड करेंगे, 2 कटोरी। और अब हम इसको ढक कर 15 या 20 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब हमारी सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। और इसके अंदर हम थोड़े धनिया, कटे हुए धनिया को डालेंगे। और हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो चुकी है। और हम इसे एक बाउल के अंदर डाल कर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा देंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर करें।